नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नज़र आज के हेडलाइंस पर। भरतपुर में राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव के पहुंचने पर बीके बहनों ने किया सम्मान, संस्था की गतिविधियों से भी कराया अवगत। लुधियाना के प्रसिद्ध जैन मंदिर में ब्रह्म कुमारी द्वारा आध्यात्मिक कार्यक्रम, राजयोग मेडिटेशन का संक्षिप्त परिचय देने के साथ कराया कुछ देर का अभ्यास। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में प्रशासन और ब्रह्म कुमारीज ने मिलकर किया इको पार्क का उद्घाटन। मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक रामलल्लू वैश्य हुए शामिल। देश भर के सेवा केंद्रों पर नए साल के मौके पर जश्न, नए संकल्पों के साथ नए साल का आगाज। राजस्थान भरतपुर के श्री हरिदत्त डिग्री कॉलेज के अंतर्गत राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव आईएएस निरंजन आर्य के भरतपुर आगमन पर कई धार्मिक संस्थाओं जिसमें मुख्य ब्रह्म कुमारीज द्वारा उनका भव्य स्वागत एवं सम्मान किया गया। ब्रह्म कुमारी बहनों से मुलाकात करते हुए मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने अपनी खुशी जाहिर की। इस मौके पर बीके प्रवीणा, बीके गीता ने कमिश्नर पीसी बेरवाल, जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, पुलिस महानिरीक्षण प्रसन्न कुमार समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात कर नए साल की शुभकामनाएं दी एवं संस्था के मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। लुधियाना में ब्रह्म कुमारीज द्वारा फेमस जैन मंदिर में आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके नीलिमा ने सभी को ह्यूमन बीइंग का वास्तविक अर्थ बताया और बीके सानिया ने राजयोग मेडिटेशन का संक्षिप्त परिचय देते हुए कुछ देर के लिए अभ्यास भी कराया। कार्यक्रम के दौरान मौजूद सभी लोगों ने एकाग्रता पूर्वक सारी बातें सुनी और अपने अनुभव में कार्यक्रम को बहुत ही प्रभावी बताया। साथ ही राज्यों की विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की अपनी इच्छा भी जताई। नया वर्ष खुशियां लेकर आता है, लेकिन मध्य प्रदेश के सिंगरौली वासियों के लिए इस वर्ष का आगमन कुछ खास हो गया। दरअसल काफी लंबे समय से शहरवासी एक इको पार्क का सपना संजोए बैठे थे, उनके लिए यह नया साल इको पार्क की सौगात लेके आया है। इस इको पार्क का शुभारंभ प्रशासन के कई बड़े अधिकारियों और ब्रह्म कुमारी संस्था में भोपाल जोन के निदेशिका बीके अवधेश समेत कई बीके बहनों ने साथ मिलकर किया। इस खुशी के मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक रामलल्लू वैश्य भी मौजूद थे। ऐसा ही एक पुनित कार्य यूपी के सुल्तानपुर स्थित विश्व शांति भवन पर भी हुआ। नए साल पर विश्व शांति भवन का प्रवेश द्वार मुख्य सड़क से जोड़ने वाला निर्माण कार्य संपन्न हो गया। इस मार्ग को शांति पथ के नाम से सुशोभित किया गया, जिसका उद्घाटन जिला न्यायाधीश संतोष राय, राय बरेली की एडीजे पूनम सिंह ने किया। इस मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके उषा ने जिला न्यायाधीश संतोष राज को अध्यात्म की ओर नामक पुस्तक भेंट करते हुए संस्था के मुख्यालय माउंट आबू चलने का निमंत्रण दिया। इसके पश्चात संतोष राय के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड एवं ड्राइवर को सौगात के रूप में कंबल प्रदान किया। ब्रह्म कुमारी संस्था का न्यू ईयर सेलिब्रेशन हर सेंटर पर खास सुंदर संकल्पों के साथ मनाया जाता है। हर कोई आने वाले साल में अपनी पुरानी बातों, कमी कमजोरी और आदतों को छोड़ने की प्रतिज्ञा करता है और नए साल पर कुछ नया करने के लिए स्वयं को तैयार करता है। ऐसे ही सुंदर संकल्पों को लेते हुए झारखंड के रांची सेवा केंद्र पर न्यू ईयर सेलिब्रेट किया गया, जिसमें नाबार्ड बैंक के डीजीएम सुभाष चंद्र गर्ग, ह्युंडई एंड एंजेला गोयनका के रीजनल मैनेजर अमरजीत, सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला उपस्थित रहे, जहां सभी ने केक कटिंग कर न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। पिछले दो दिन से चल रहा है, शुभकामनाओं का बहुत दौर चला, बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आए हमने दिए, पर ये एक दिन में हम इसे खत्म ना करें। हम अपने जीवन के अंदर जो है इसकी दिशा निरंतरता बनाए। हम चाहते हैं कि आप लोग फिर से संकल्प लें और उस संकल्प को पूरा करें पूरे साथ, और संकल्प के साथ साथ ये भी संकल्प लें कि हम सबको खुश रहना है, सदा खुश रहना है। सेवा केंद्र पर उपस्थित लोगों ने इस दिन को पूरे उमंग उत्साह के साथ सेलिब्रेट किया।
आगे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर सेवा केंद्र पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या ने सभी को मुबारक देते हुए आने वाली नई दुनिया के लिए तैयारी को तेज करने का आह्वान किया। अपने मनसा साकार द्वारा विश्व में शुभ भावनाओं के प्रकंपन फैलाएंगे और हर आत्मा के दिल से ये निकले, मेरा बाबा आ गया। ऐसे ही देश के अन्य कई सेवा केंद्रों पर भी नई सोच के साथ नए वर्ष का आगाज हुआ। चलिए दिखाते हैं आपको जल्दी से कुछ झलकियां। बीती बातें छोड़ दे, काहे मन में घोले, बीती को बिंदी लगा दे, आगे की अब सुध ले, मान ले हर पल नया, मायूसी उड़ जाएगी, जिंदगी को गले लगा, आफतें आसा होगी, नया साल ये नया सवेरा, हर दिन हो अपना नया, गम की बातें भूल कर बांटेंगे हम खुशियाँ, come on! परिवर्तन का उमंग है, उत्सव है ये खुशियों का। हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें। पीस न्यूज बुलेटिन और हमारा नया कार्यक्रम सब रंग देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पीस न्यूज गॉडलीवुड को सब्सक्राइब करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।